व्यक्तिगत रूप से मैं किसी बीमार व्यक्ति की आलोचना और अपमान नहीं करना चाहता। कृपया मेरे विचारों को एक जानकारी के रूप में देखें, ना कि आलोचना के रूप में। अभी कुछ दिनों पहले आचार्य बालकृष्ण को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा था और इन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और वहाँ इनका उपचार हुआ। हालांकि महज ये एक संयोगी है कि आज की खबर आने से पहले इन्होंने दिल की बीमारियों से बचने को लेकर 21 अगस्त को ट्वीट किया था। लोगों का कहना है कि वो आयुर्वेद के इतने बड़े जानकार है तो अपना इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से न करवा कर मेडिकल पद्धति से इलाज करवा रहे हैं। हमने कई बार भाषणों में इनको और इनके साथी बाबा रामदेव को कहते सुना है कि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है और वो हर बीमारी को एलोपैथिक पद्धति से ठीक करने का दावा करते हैं और अब खुद का स्वास्थ्य बिगड़ने पर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। हम दूसरों को जो ज्ञान बांटते हैं ना, वो खुद पर भी लागू होना चाहिए। खुद को विश्वास नहीं है तो इससे दूसरों की बीमारी क्या दूर कर पाओगे। आयुर्वेद से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। आयुर्वेद एक अत्यंत प्राचीन उपचार की पद्धति है। विदेशी लोग भी यहाँ भारत में सीखने आते हैं, लेकिन आयुर्वेदाचार्य अवैज्ञानिक रूप से ये दावा करते हैं कि ये रामबाण और गारंटेड पद्धति है हर बीमारी के उपचार के लिए, तो वो स्वयं ही इसका मजाक उड़ाते हैं। उपचार चाहे कोई भी पद्धति से करवाओ, 100% ट्रस्टेड नहीं हो सकता। बाबा रामदेव ने लोगों की भावनाओं को आयुर्वेद के साथ साथ धार्मिकता को जोड़कर ऐसे व्यापार से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते नजर आए हैं। कितने ही लोगों की डायबिटीज की दवाई बंद करवा दी, कितने ही लोगों को हृदय रोग की बीमारियों में भ्रामक सलाह दी। यदि भ्रामकता से जटिलता के आंकड़े निकाले जाए तो अविश्वसनीय रूप से अधिक हो गए। नो डाउट आयुर्वेदिक तरीका बहुत ही प्रभावशाली होता है, लेकिन गंभीर बीमारियों को ठीक करने में 50% गारंटी दे सकता है, परफेक्टली ठीक होने की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन सर्जिकल और मेडिकल उपचार की जितनी पहुंच है, इसके बराबर कोई भी उपचार पद्धति नहीं पहुंच सकती। आचार्य बालकृष्ण और इनके बाबा अपने आप को ईश्वर का अवतार और आयुर्वेद का चरक समझने का भ्रम त्याग दे, वास्तविकता और वैज्ञानिकता का सम्मान करें व मरीजों को भ्रमित न करें। मेरी शुभकामनाएं आचार्य बालकृष्ण के साथ है। ईश्वर इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। धन्यवाद।